तहसील कोसरेमान का इलाका है, ये एक पहाड़ी इलाका है। जहाँ पानी का सबसे बड़ा ज्यादा मसला है हमारे लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पानी का मसला हमारा हाल हो जाए, ये हमारे हुकूमत पंजाब से अपील है। तो पानी वास्ते बहुत तंग था सर जी, बाला को काम अफसर दो अपील है सला सर जी, सरदार साहब दो भी। गड्ढे भी उठाई पीने पर, बंदा भी उठाई पीने पर। दादा बाबा शेला पिटर नाम नागो आफा खर धमोदावरगो खिक धमोदावरगो मैं मजबूर के माँ धमोदावरगो ने। ये वजीर अला पंजाब सरदार उस्मान खान बुजदार का आबाई इलाका है। इस इलाका में इस जदीद दौर में भी यहाँ के मकीन जो है ना आज भी इस तालाब का पानी पीते हैं। ये तालाब का पानी इंतहाई मुज़र सेहत है। यहाँ के मकीनों का कहना है कि यहाँ की जितनी आबादी है, यहाँ जो हज़ारों लोग हैं, इस तालाब से आज भी यहाँ गदले और जो मुज़र सेहत पानी पीकर ये अपना वक्त गुजार रहे हैं। जी सर, ये तालाब है तीन पुश्तों से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले भी हम मकामी लोग तालाबों का पानी पी रहे हैं। इस तालाब के अलावा और भी कई तालाब हैं बस्तियों के, अब और ज़्यादा से पानी पी रहे हैं, जहाँ गधे घोड़े बकरियाँ जानवर इंसान बच्चे ख़वातीन पानी इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत बाला से अपील है के मुस्तकबिल करीब में हमारे पीने के लिए बच्चों के लिए कोई मुतबादल अच्छा पानी का इंतजाम करें। पानी कहना पानी दा हालात देख सारा डेडे पेट दर्द है, पानी खराब है सारा, कीड़े ना मजबूरी है क्या करूं, पानी बिया मिलता कह नहीं, रोजाना ही पानी पीने थाओ किलो भर वे पाँच पाँच किलोमीटर सारा घर है, गड्ढे सिनावर जुल्म करें दे क्या करो। 72 साल गुजरने के बावजूद हम साफ पानी के लिए महरूम हैं। ये आप देख सकते हैं गधे घोड़े मवाल मवेशी सब यहाँ पानी पीते हैं, हम इंसान हैं हम भी यहाँ पानी पीते हैं। आला हुकाम से हमारी अपील है इस बारे नोटिस लें, हमारे को साफ पानी फराहम किया जाए। ये पानी आप देख सकते हैं इसके अंदर कीड़े मौजूद हैं, हम लोग बीमार हो जाते हैं ये पानी पी के। हमारे इलाके में कैंसर जैसे मर्ज भी फैल चुके हैं, लेकिन इसी पानी की वजह से साफ पानी नहीं है हमारे इलाके में। आला हुकाम से हमारी अपील है हमारे को पानी साफ दस्तियाब। सारा पानी के हालात आपने से पे इलाके दे सारी पानी दी पीवन दे क्या के मेरे ख्याल सारी लोग को वजू करण दे काबिल भी ना समझे से, असा भी पाकिस्तानी है पाकिस्तान दे इंसान है, लेकिन सारे पानी का ख्याल किया वजह सरदार उस्मान को अपील है सारा पानी का ख्याल करो। और जो आप देख सकते हो पानी के अंदर कि शे मौजूद है, जो आप सामने है ना पानी, इन डेट भी मौजूद है, गंदी गंदी मछलियाँ मौजूद है और मोए मछलियाँ मौजूद है, सारी पानी पीने का कोई भी रास्ता कोई ऐसा मजबूर ऐसा पीने का गुजारा कर देता।
यहाँ के इंसान हैं, हैवान हैं, एक ही घाट से पानी पीकर इस जदीद दौर में भी गुजारा करते हैं। यहाँ पानी का सबसे बड़ा ज़्यादा मसला है हमारे लिए, यहाँ पानी नहीं है। ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो बाढ़ा है, वो पानी किसी काम के लिए भी नहीं है। लेकिन इस तरफ पानी है, इस तरफ ताल, कोई मंजूरी, कोई बोर, कुछ भी नहीं है अटामक के करीब। हमारा सबसे ज़्यादा मसला पानी का है। दूसरा बिजली का भी मसाइल है, लेकिन रोड के साथ साथ बिजली है, कुछ घरों में नहीं है। हमारे बिजली और पानी के मसाइल सबसे ज़्यादा मसाइल हैं। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब से हमारी गुजारिश है ये मसाइल हमारी हल करें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान से हमारा अपील है। इलेक्शन कंपेन चल रहा था, सरदार साहब को हमने बोला था हमारे बस्ती डहर में, क्योंकि बस्ती है, छोटे छोटे बस्ते हैं, ये पानी का मसला हमारा हल हो जाए। ये हमारे हुकूमत पंजाब से अपील है, ये पानी का मसला, ये जो मर्ज है मौला डहर, मौला सालारी, मौला जाड़ो, मौला गजी बकरी, इनकी पानी का बहुत किल्लत है। ज़मीन ज़ेर ज़मीन जो ज़मीन है वो बिल्कुल पानी करवाए, किसी काम के लिए नहीं है, ना खाने का है, ना ज़मीनों के लिए इस्तेमाल के लिए है। मेहरबानी करना, हमारा गुजारिश है सर, हमारे इलाके पानी कोई नहीं सर, पानी वास्ते बहुत तंग था पे सर जी। बाला को काम अफसर दो पीले सला सर जी, सरदार साहब दो भी पानी का मसला है, रोडें का मसला है, साइडें तो सर रोड कोई नहीं, बिजली के मसले मसाइल हैं सर, सारे मसाइल हल थे वंजन सर जी। बाकी अल्लाह पाक मेहरबानी करे, स्कीम वाले देते ने जिता पहलो कोई बाड़ा पानी आवल उनके नाल नाल बस ला देते ने नलका, पानी शानी बिल्कुल कम दी जाते, कोई जाते इस्तेमाल नहीं थी गए भला, लिहाजा पानी का बहुत यो किल्लत है। गड्ढे भी उतना ही पीते पे, बंदा भी उतना ही पीते पे, पानी का बहुत यो है, कोई नहीं साले नाल तवज्जो कोई नहीं करे ना पे, सरदार साहब नाल सरदार कष्ट है। दादा बाबा शेला पिटा नाम ना को आफ खर धमोदा वरगो सिख धमोदा वरगो मैं मजबूरी के मा धमोदा वरगो ने चोखरू कोई हालात आफ है हस्ते चीना मजे मजे मसला आफ है। अगर नलका ये तो हमोर के सोरे सोरे सामना रहे चखी तखी कोई हालात सी नहीं, बाकी आफा सार जुदू सो दौनी वहीं हालता शिकला सा तके साथ दिल गवारा दस्ती में सोगा चिन्ह खाती सारा सारे ज्यादा ज्यादा इतना मसला है पानी का। सारा पानी बाड़े पानी सारा स्कीम मंजूर थी कने वो पता नहीं किरे ही नाल गैब थी गए सगू इल्म कोई नहीं, एक मशीन छोटा जहा घिना वो वाला यो चेक करन दे वहीं के बावजूद वाला वापस थी गए, कोई पता कहीं नहीं। साडा अपील है वो सर पानी मंजूर कर देवे, साडा पानी बहुत औखा है, बाड़ा पानी है, अगर कितना ही मिठा चश्मा है भी सही उतना गड्ढे खोते असा भी नाल उन्हें उन्हें पानी वस्ती वस्ती डहर वस्ती सलारी वस्ती मरव ए दो चार मौजे ने साडे पानी का इतना बहु किल्लत है, आबादी भी बहु है, रोड के उत्ते तुसा भी देख सकते हो, उनका सबको कोई इल्म कोई नहीं, असा इतना बहु गरीब है, सबको कोई इल्म कोई नहीं, असा वेंदे हूँ कहते यार तुहाडा मंजूर थी गए आवण लाए साल थी गए असा इंतजार बैठे हैं, कोई पानी कोई नहीं घट सप्लाई दस होंगे इल्म बंद है, इतना तफसीश कोई नहीं थी सरदारों को गाल कोई नहीं पाया वेंदे, बाकी अस गरीब बंदे उत्थ कोई रस्ते का हिला वसीला कोई नहीं, असा अपनी जात का खर्चा कर एक रस्ता बना दिते कोई अगोराले शरारत करें साडा रस्ता बंद कर देंगे, साडा ना माल दा पानी दा ना साडा हस्पताल दा बीमारी थी बंदा बीमार थी वे साडा रस्ता बंद है, साकू थी मरने हस्पताल तक साको कोई नहीं वन देंदा सर, ये साडे मुतालबे मेहरबानी करो सरदार साहब तक साडा ये मुतालबा पुजा दे, साडा अपना ना वस्ती लुख वाहद बख पीए तक अपना वो साडा तफ्तीश कोई नहीं थी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ की जिस बस्ती में मैं मौजूद हूँ यहाँ करीब से बिजली की लाइन गुजर रही है, लेकिन इस बस्ती को बिजली फराहम नहीं की गई। मेरे साथ इस घर के मकीन मौजूद हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि आपके घर को क्यों बिजली से महरूम रखा गया है, क्या वजह है, आपको शदीद गर्मी की वजह से आपके बच्चों को किन मुश्किल का सामना है, आप बताइएगा कि क्या वजह है आपको बिजली फराहम नहीं की गई और आपके बच्चों को क्या मुश्किलात हैं शदीद गर्मी में। जी सर, बच्चों की मुश्किलात आपके सामने है और बिजली से हम लोग बस रह गए हैं, हम आए तो बिल्कुल रोड के ऊपर हैं, पता नहीं जो हमने तीन चार दरख्वास्त भी दे दी हैं, हमारे को कहते हैं आ जाएगा कल आएगा परसों आएगा, ये तकरीबन पूरा छः सात आठ महीना हो गया, ये नज़दीक सब लोगों को बिजली पहुँच चुका है, हमारे घर में अब तक नहीं पहुँच चुका है।
मेरे साथ इस बस्ती के कुछ मकीन मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि उनके मसाइल क्या हैं। बोलते कने महरूम हैं, तो न स्कूल है, न हस्पताल है, न पानी है, रोड भी का ही नहीं। जरा सड़े बीमार थे असा डाडा डाड़े इतना पैया होसन भला चाह के तो से नसूँ पैदल डहर ते नसूँ तो भला कोई गाड़ी मिलती कशे का ही नहीं, सड़े को बिजली भी का ही नहीं। सहूलत कना असा महरूम रह गए। सर अपील है वजीर आला को, सारे रोड कोई नहीं, यो का नहीं, सड़क कोई नहीं, बिजली कोई नहीं, पानी कोई नहीं, हस्पताल कोई नहीं, कोई सहूलत कोई नहीं, मेहरबानी करो। सलाम अलैकुम वजीर आला को अपील है, सड़क सड़क कोई नहीं, बिजली कोई नहीं, रास्ता कोई नहीं, हस्पताल कोई नहीं, सको दे सको अपील है सरदार साहब को वजीर आला को। वजीर आला मैं आफ चिने मैं बिजली चिने मैं त्राइन याफा और आंद आफ मुको हर बरसा सो आफ मैं कोई चिने अला पाक हवरे दा आफे स्कूल है। मैं वजीर आला को निखा अपील है मार सहूलत है दा सड़के रोडे हस्पताल आफे सड़क है 4 किलोमीटर है मैं लोग दे बार हैं माशे महरूमिया बिल्कुल कोई सह चिन्ह मैं गुरा त्राई या आफ वरूँ ओ वर्ग का रह चिन्ह माल धमोदा वर्ग हैं माध मोदा वर्ग हूँ शक धमोदा वर्ग हैं